स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शिराज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ TVS रॉनिन का सीट हाइट वीडियो। बहुत आप लोग फरमाइश कर रहे थे तो अब आपको फटाफट दिखा देता हूँ, और क्योंकि अभी शोर वोर आएगा तो आप समझ जाइएगा, उस टाइम अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ये मेरे दोनों तरफ पैर टिक रहे हैं आराम से। जाहिर सी बात है, आप रॉनिन का सीट हाइट वीडियो देख रहे हैं, आप हंटर का सीट हाइट वीडियो भी देखना चाहेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। ओके, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात, इसमें मुझे ज्यादा आसानी हो रही है पैर टेकने में। इसकी 790 mm है, उसकी 795 mm है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो एक्चुअली पैर टेकने में भी पता लग रहा है। ये इस पर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ नीचे पैर टेकने में। उसमें अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, इनफैक्ट आप अब एक जो इन दोनों के एक जो पॉजिटिव है वो इनका नेगेटिव भी कैसे बनता है। इसका जो अब आप देखिए साइड स्टैंड पे खड़ी है तो ज़्यादा गाड़ी लेटी नहीं है। एडवांटेज इसका क्या होता है कि जब मुझे बैठ के सीधी करनी है तो मेरे को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, मेरे को हर्निया नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, हर बार आपको परफेक्ट रोड तो मिलेगी नहीं, तो कभी कभी आप लगाएंगे ना तो वो इतनी हो जाती है। तो जब भी आप हंटर को साइड स्टैंड पे खड़ी करें, अच्छी तरीके से देख लें हिला डुला के कि उधर टिप ओवर ना हो जाए। उसका काफ़ी वो देखिए लेटी हुई है, देख रहे हैं आप, काफ़ी लेटी हुई है। अगर आप जावेद एक बार सामने से आप लेंगे, सामने से दिख जाएगा कि कितना फ़र्क है, बिल्कुल सामने से कितनी लेटी हुई है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये कभी टिप ओवर नहीं होगी उधर। नुकसान क्या है कि जान लगानी पड़ती है, जबकि जाहिर सी बात है उससे ये शायद अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो या उससे ज़्यादा हल्की है। पैर दोनों तरफ टिक रहे हैं, सारी बात ये है आप मेरी हाइट के हैं, 5 feet 1 inch, आप 1 inch छोटे भी हैं, 5 feet के भी हैं, तो भी आप दोनों बाइक्स चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना करा हो, और कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा, कुछ सवाल हो वो पूछ लीजिएगा, और बहुत बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।